अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और दुआ भी है खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले गोश्त, जिसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। मीट के अलावा मैंने करेले लिए हैं। सब्जी का ये है, आप जितनी पसंद करते हैं गोश्त के हिसाब से आप उस तरह से लेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैं काटूंगी। 1 रफली चॉप्ड जो है ऑनियन है और 2 टमाटर हैं। 1 ऑनियन अलग से मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने फाइनली जो है स्लाइस किया हुआ है थोड़ा बारीक। और ये 2 टीस्पून है, यानी कि 1 टीस्पून है अदरक और 1 टीस्पून लहसुन है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा धनिया है। मसालों में ये है जीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सूखे धनिए का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक है। आप हसबे जायका लीजिएगा, लेकिन नमक को शामिल करते हुए ये चीज़ आप देखिएगा कि हम लोगों ने करेलों को भी नमक लगाना है तो वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर थोड़ा बहुत। और ये 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला लिया है। तो इसको बनाने के लिए मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं करेले जो हैं उनको छील के नमक लगाती हूँ, फिर उसके बाद हम गोश्त पकाना शुरू करेंगे। मैंने करेलों को जो है छील लिया है। देखिए मैंने बिल्कुल हल्के हल्के से उसके छिलके उतारे हैं, उसको हाफ करके बीज निकाल के मैंने यूँ उसको काट लिया है। अब इस पर मैंने ये 1 टेबलस्पून भर के है जो कि मैंने इस पर यूँ नमक लगा के इसको मिक्स कर लेना। इसको 40-45 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ इसमें जो है, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से धोना है कि नमक भी निकल जाए और जो कड़वाहट होगी वो भी इसमें करेले जो है पानी छोड़ देंगे। तो उसको अच्छे तरीके से 2-3 पानी के साथ इसको धो लेना है और बहुत अच्छी तरह से इसको निचोड़ना है क्योंकि हम लोगों ने फ्राई करना है। तो फ्राई करना है, इस वजह से इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चले मैं पहले हम लोग मीट को मैं बना लेती हूँ, उतनी देर में इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर इसको हम धो लेंगे। मैं प्रेशर कुकर में गोश्त को बना रही हूँ। मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त डाला है, तकरीबन इसके अंदर 1/2 कप मैं सिर्फ पानी डालूंगी और उसके बाद जो प्याज टमाटर हैं वो इसमें आपने शामिल कर देने हैं, लहसुन अदरक और नमक। इसको मिक्स करके अब मैं इसको प्रेशर दूंगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट का मैं प्रेशर दूंगी। उतनी देर में गोश्त भी गल जाएगा और प्याज टमाटर भी इसके साथ ही गल जाएंगे। तेल जो है वो गर्म हो चुका है और जो करेले हैं वो देखिए मैंने इसको धो के बहुत अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया। अब इसको मैंने फ्राई करना है। फ्राई मैं भी आपको करके दिखाऊंगी कि इसको कितना फ्राई करना है, लेकिन तेल जो है इसको अब दोबारा भी मैं इसी तेल में से जितना मुझे चाहिए होगा 1/2 कप वो मैं हंडिया के लिए निकाल लूंगी, बाकी आप किसी भी कुकिंग में दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं। कभी कुछ देर लगेगी करेलों को फ्राई होने में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तकरीबन 8 मिनट्स हो गए हैं फ्राई करते हुए। ये देखें, ये इसकी मैं सिर्फ तकरीबन 2 मिनट और करूँगी और फिर मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी। बस 2 मिनट मैंने और कर लिया। अब मैं इस स्टेज पर इसको ऑयल से निकाल कर तो अब हम गोश्त को जो है भूनना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने फ्राई करके करेले मैंने इसमें निकाल लिए हैं। अब जो है उसी तेल में से मैंने आपको बताया था ना कि मैं इस्तेमाल करूँगी, तो मैं 1/2 कप जो है इसमें डाल देती हूँ मीट में। इसका पानी जब मैंने प्रेशर कुकर खोला था तो ड्राई हो चुका हुआ था। अब मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देती हूँ। नमक मैंने उसमें पहले किया था, हल्दी है, मिर्च है, सूखा धनिया, जीरा पाउडर और हरी मिर्चें जो कि मैंने काट ली थी। अब मैं इसको 10 मिनट तकरीबन भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट भून लिया। देखिए मसाला इसका बन चुका है, ऑयल अलग हो गया है। इस स्टेज पे मैं जो करेले फ्राई किए थे वो शामिल कर देती हूँ। और जो मैंने आपको
ये स्लाइस किया हुआ ऑनियन दिखाया था वो मैं शामिल कर देती हूँ। अब हम लोगों ने ये करना है कि सिर्फ इसको हल्की आंच पे मैंने दम पे रखना है। पहले 10 मिनट मैंने इसको भूना है, अब प्याज और करेले के साथ इसको 10 मिनट हल्की आंच पे दम पे रखना है। 10 मिनट तकरीबन मैंने इनको दम दिया है। प्याज जो है बस वो इस तरह से नजर आने चाहिए, बिल्कुल ही नहीं सॉफ्ट करके वो मसाला सा बिल्कुल ही के गोश्त के साथ ही मिक्स हो जाए, वैसे नहीं। अब इसमें मैं गरम मसाला जो आपको दिखाया था वो शामिल कर देती हूँ, हरा धनिया, तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो करेले गोश्त तैयार है, आप इसे रायते के साथ लस्सी के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।